हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है। एक नया दिन के साथ मेरा भी ब्लॉग शुरू हो चुका है और आज का ब्लॉग का शुरुआत अनुषा ने कुछ खिलौने नीचे फेंकते हुए किया है। तो मैं पूछ रही हूँ फिलहाल कहाँ है खिलौने, वो बोल रही है मैंने नीचे फेंक दिया है। तो खैर ये सब तो चलता ही रहेगा और आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखना और बने रहिएगा। तो मैं आपको मौसम का हालत दिखा रही हूँ, बहुत क्लाउडी है, मुझे पता नहीं कैसे निकलूँगी। फिलहाल अनुषा सो रही है लंच करने के बाद। अभी मेरा जो भी मेरा काम है वो मैं कंप्लीट करूँगी बिकॉज मुझे भी निकलना है राखी के शॉपिंग करने। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं अपने भी कपड़े निकाल चुकी हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो ही मैं निकलूँगी, लेकिन अनुषा अपनी बुआ के घर पर जाएंगी और मैं अनुषा के पापा बाहर निकलेंगे। लेकिन बारिश का पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है आगे। और आज जो मुझे शॉपिंग करने जाना है, बहुत किसी के लिए मुझे सामान लेना है, मेरे भाई के लिए, अनुषा के लिए, अनुषा के दादू के लिए, हमारे घर में जो भी आएंगे राखी पहनने, अनुषा के जो काका है, अनुषा के पापा के जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी मैं राखी पहनाती हूँ, उन सब के लिए मुझे सामान लेने जाना है। तो राखी भी ख़रीदना है, तो आप देखते रहिएगा लास्ट तक मेरा ब्लॉग। और कल का भी ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, दिस इज़ अ राखी ब्लॉग, आपको देखना पड़ेगा लास्ट तक। तो मैं फ़िलहाल अपने काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद निकलूँगी। और आज सुबह के ब्रेकफास्ट में बना है एग सैंडविच। तो एग मैंने बॉईल करके ऐसे करके मैं बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है हमें। तो ये बनाने के बाद मैं अनुषा को दिखाती हूँ। अनुषा जा रही है अपनी दादी के साथ बुआ के घर पे। तो बारिश तो अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, लेकिन मैंने कहा है कि आप लोग जल्दी निकल जाओ ताकि बारिश को आपको सामना नहीं करना पड़े। तो आपको मैं दिखाती हूँ, अनुषा फ़िलहाल अभी निकल रही है, शायद आपको क्लियर ना दिखे, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। वो लोग निकल चुके हैं और मैं अभी घर पे अकेली हूँ, अनुषा के पापा बाहर गए हैं काम में। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद अनुषा घर पे आ चुकी है, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पाई। आपको मैंने दिखाया था मौसम का हालत इतना ख़राब था और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं निकल नहीं पाई। तो अभी फ़िलहाल मैं अनुषा को कुछ खिला के सुला दूँगी बिकॉज सुबह वो ज़्यादा देर नहीं सोई थी। अभी सुलाने के बाद हम और अनुषा के पापा निकलेंगे। फ़िलहाल मैं रेडी होंगी अभी, तो देखते रहिए। जैसे कि आपने देखा मैं रेडी हो चुकी हूँ, अनुषा भी सो रही है और मैं और अनुषा के पापा निकल गए हैं राखी की शॉपिंग करने। लेकिन मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि जो भी शॉपिंग करूँगी मैं आपको अभी नहीं दिखाऊँगी बिकॉज जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं उनको भी मैं गिफ्ट दूँगी। तो अभी से मैं अगर दिखा दूँगी मैं क्या दे रही हूँ तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा। तो आपको मैं उस दिन ही दिखाऊँगी क्या क्या लिया है, तो राखी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल सबके लिए सामान खरीदूंगी, उसके बाद घर पे आ जाऊंगी। लेकिन हाँ, मैंने अनुषा के लिए कुछ लिया है, यही मैं दिखा रही हूँ आपको। ये लिया है अनुषा के लिए, जो अनुषा के जो दादू है, मेरे जो फादर इन लॉ है, उनको राखी पहनाने के बाद अनुषा को वो ये मिलेगा। तो उन्होंने मुझे पैसा दिया था कि अनुषा के लिए कुछ लेके आना, मैं गिफ्ट दूंगी राखी के बाद। तो मैं ले चुकी हूँ, अभी मैं राखी लूँगी, उसके बाद हम लोग घर पे निकल जाएंगे। और आप बाहर का कीचड़ देख सकते हैं, बहुत रास्ते का हालत ख़राब है। तो सबके लिए मैंने सब कुछ ले लिया है और राखी भी मैंने ले लिया अपने भाई के लिए, जो मुझे बहुत क्यूट लगा है। इसके ऊपर लिखा है किंग ब्रो, जो मुझे बहुत क्यूट लगा है, मैंने ले लिया है ये राखी। और सब कुछ सामान लेने के बाद अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ और ये सब सामान है सबके लिए। और राखी के लिए पर्टिकुलर अनुषा के लिए मैंने ये लिया है, अनुषा के जो दादू है वो देंगे और आपको गिफ्ट राखी के दिन ही देखने को मिलेगा। राखी के लिए वेट कीजिए, आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं जो कर रही हूँ, अनुषा के पापा ने सुबह कुछ सामान लाए थे बाजार से, मैं उसे ही साफ़ कर रही हूँ। और रात को हमारे जो खाना बनेगा वो अनुषा की दादी बनाएगी। उन्होंने आज पैनकेक बोल सकते हैं, हम लोग घर पे बहुत बना के खाते हैं और शायद आप लोग भी बना के खाते हैं, ये बहुत कॉमन है। अगर टाइम में कुछ नहीं बनता है तो ये सब बना के हम लोग खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
ये मैदे से बनता है। तो ये सब होते हुए आज का वीडियो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बना रही हूँ बिकॉज मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाई। तो आज का दिन बस इतना ही मैं शूट कर पाई, आपको दिखा पाई। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे साथ जुड़ने के लिए नीचे रहा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आपके पास पहले पहुंचे। तो फिलहाल अनुषा तो नहीं सो रही है, अभी रात के बजे 10:30। मैं कोशिश करूँगी सुला देने के लिए। अभी तक अनुषा डिनर नहीं किया है, अभी इसको डिनर करवाऊँगी। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस अनुषा। बाय बाय। आई होप यू लव माई ब्लॉग। अगर पसंद करते हैं तो क्यों नहीं सब्सक्राइब करते, कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, कल का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो देखना मत भूलिएगा।